नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा नेता पवन बेड़ीवाल ने इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला के खिलाफ मानहानि का दावा किया, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने आज विधानसभा के पटल पर पवन बेड़ीवाल पर व्यक्तिगत रूप से नशा तस्करी का आरोप लगाया था। वहीं पवन बेड़ीवाल बोले कि अभय सिंह चौटाला सबूत पेश करे, नहीं तो अंतिम दौर तक लड़ूंगा लड़ाई, और अगर सबूत पेश नहीं किए तो अभय सिंह चौटाला के घर के बाहर धरना दूंगा। पलपल स्पेशल से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा बीज विकास निगम के पूर्व चेयरमैन पवन बेड़ीवाल ने अभय सिंह चौटाला पर मानहानि का दावा किया है। विधायक अभय सिंह चौटाला ने आज विधानसभा पटल पर पवन बेड़ीवाल पर क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करी का आरोप लगाया था। पवन बेड़ीवाल ने अपने वकील वीरेंद्र गगनेजा के साथ में संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि अभय सिंह चौटाला ने व्यक्तिगत रूप से उन पर लांछन लगाया है। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला से सवाल किया कि अगर उसके पास कोई सबूत हो तो सामने आए। उन्होंने कहा कि पहले भी अभय सिंह चौटाला आरोप लगाते आए हैं और आज तक फिर भी विधानसभा में उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाया है। पवन बेड़ीवाल ने कहा कि ये लड़ाई अब अंतिम न्याय मिलने तक जारी रहेगी। अभय सिंह चौटाला ने सबूत न दिए तो उनके घर के बाहर धरना भी दूंगा। उन्होंने कहा कि कवि चौधरी देवीलाल की पार्टी को 85 सीटें मिली थी और आज इनेलो एक सीट पर सिमट कर रह गई है, और इसी के चलते बौखलाहट में अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं अभय सिंह चौटाला। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला अपने पद की गरिमा को भूल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभय सिंह चौटाला सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। पवन बेड़ीवाल ने कहा कि नशे को लेकर के भाजपा सरकार व पुलिस प्रशासन गंभीर है और लगातार नशा तस्करी के खिलाफ अभियान भी चलाए हुए हैं। सिरसा पुलिस ने नशा तस्करी में शामिल बहुत से लोग पकड़े भी हैं, साथ ही नशे की बड़ी बड़ी खेप भी सिरसा पुलिस द्वारा जब्त की जा रही है। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। भी आज जो हमारे विधायक जी हैं अभय सिंह चौटाला जी, एल नवा से जो विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में उठकर एल नवा में नशे के बारे में बात कही है। नशा एक बहुत बड़ी बुराई है, इसमें कोई दोराय नहीं है, और इसका निपटारा भी बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी हरियाणा पुलिस इसमें बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, लेकिन विधायक जी ने जैसे कि इलेक्शन में व्यक्तिगत लांछन लगाए आज मेरे पे, दोबारा ना कई बार लगा चुके, आज व्यक्तिगत लांछन लगाए हैं। भी पवन बेड़ीवाल और पवन बेड़ीवाल के आदमी यहाँ पे एल नवा क्षेत्र में नशे का कारोबार करते हैं, तो मैं माननीय विधायक जी से यही पूछना चाहते हैं भी आप ये अनाप शनाप बातें सिर्फ लाइमलाइट में लेने के लिए बोलते हो या आपके पास कुछ तथ्य भी है? तब कि हमने आज से 1 फरवरी को उनको एक लीगल नोटिस भी दिया था। ये कभी तो टवाड़ा में हमारे अध्यक्ष बराला जी, आज भी बराला जी के बारे में उन्होंने काफ़ी टीवी में देखा था या सोशल मीडिया पे, उनके बारे में वो काफ़ी बोले। कभी तो ये कह देते हैं यहाँ पे टवाड़ा में अध्यक्ष जी सुभाष जी बराला नशे का कारोबार करवाते हैं। एक बार तो शायद करनाल गए थे, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी पे भी ये आरोप लगवा दिया भी यहाँ पे करनाल में अगर कुछ हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो हमारे जो विधायक जी हैं ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि जो पार्टी कभी 85 सीटों पर थी चौबी चौधरी देवीलाल के वक्त में, वो 85 से 35 पे आई, 35 पे 19 पे आई, और अब एक सीट पे आ गई। और ये एक सीट भी विधायक जी को पता है भी कैसे वो ये सीट बचा पाए, बचा ली उन्होंने, 1.5 महीना यहाँ से बाहर नहीं निकल सके। अब उनको सपने में भी पवन बेड़ीवाल ही दिखता है, उनको क्या डर है या वो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विधायक जी को मैं ये बताना चाहता हूँ भी इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक लेके जाएंगे। जैसे विधायक जी ने पहले हमारे मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री जी को भी लिखी, और ये भी कहा
भी अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। मैं आपके द्वारा विधायक जी को ये बताना चाहूंगा, उन्होंने तो पता नहीं किया नहीं किया, लेकिन मैं उनके आवास के सामने धरना भी दूंगा, भूख हड़ताल भी करूंगा और उनसे सबूत मांगूंगा। या तो उन आदमियों के नाम बताए, तथ्य प्रूफ करे और इस लड़ाई को आखिरी इंतजाम तक पहुंचाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। इलेक्शन में अनाप शनाप ऑडियो वीडियो किसी एक आदमी को कहीं खड़ा करके, और आजकल आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, किसी को बना दे तो या तो उसका नाम लेके है ना, फिर एसपी साहब को सामने लेके है। ऑडियो वीडियो बनाने से क्या है? अगर उनके पास सबूत है तो मेरे को, आपको एक बात मैं बता देता हूँ, हमारी जो सिरसा पुलिस है इस मामले में सबसे ज्यादा सख्त है। पिछले एक महीने में 199 केस एनडीपीएस के यहाँ पे दर्ज हुए, जो कि एक शायद सिर्फ हरियाणा पंजाब में नहीं, मेरे को लगता है ऑल इंडिया का रिकॉर्ड है, और सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं यहाँ पे। और मैं अपने एमएलए साहब को ये और आपके द्वारा पुलिस को, हर एक आदमी को बताना चाहता हूँ भी, अगर उनके पास एक भी सबूत है, मैं अपनी बेल तो क्या फांसी टंगने के लिए तैयार हूं, अगर 1% भी उनके पास कोई सबूत हो। आज तक मेरे पे कोई एनडीपीएस का, ना मेरे पे ना मेरे परिवार पे किसी पे कोई केस नहीं। ऐसी अनाप शनाप किसी के बारे में बकना तो उनको अपने सोच के ही करना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने श्री पवन कुमार बेनीवाल जी के कहने पर उनके ब्याह पे एक नोटिस श्री अभय सिंह चौटाला माननीय एमएलए साहब उनके फार्म हाउस तेजा खड़ा के एड्रेस पर, जो कि उन्होंने अपना एड्रेस वहाँ पे दे रखा जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा था और जो वहाँ पे विधानसभा में दे रखा, वहाँ नोटिस भेजा था। और ये नोटिस मैंने 1/2/2020 को भेजा था भी, या तो वो बताएं भी किसके कहने पर वो इनका नाम ले रहे हैं, नहीं तो वो पब्लिकली जो अपने आरोप लगा रहे उसको वापस लें, अदरवाइज मेरा क्लाइंट जो आपके खिलाफ मानहानि का दावा डालेगा। 1/2/2020 को मैंने नोटिस भेजा था, जो कि ये नोटिस है, मैं आपको सबको कॉपी दे दूंगा, लेना पड़ेगा। ये नोटिस 4 पेज का है, नोटिस 4 पेज का है, और जो 1/2/2020 को मैंने जब इनको भेजा इनके एड्रेस पे, 28 तारीख तक भी इनका कोई जवाब इस नोटिस के बारे में नहीं आया कि ये नोटिस भी, ये जो लांछन लगा रहे हैं ये किसके कहने पे लगा रहे हैं और किन तथ्यों पर आधारित हैं। तो जब ये नोटिस का कोई जवाब नहीं आया लेने के बाद, तो मैंने 28 तारीख को माननीय अदालत सिरसा में श्री अभय सिंह चौटाला जी के खिलाफ मानहानि का एक दावा डाला है, कंप्लेंट दायर की है श्री पवन बेनीवाल जी की तरफ से, जो कि माननीय जज साहब श्री अभिषेक चौधरी जी, हमारे जो माननीय JMIC हैं सिरसा के, उनकी अदालत में ये पेंडिंग है। 15/4/2020 को इसमें हमने प्रिलिमिनरी एविडेंस करवानी है, जो इस कंप्लेंट में दिए गए तथ्य है और जो हमारे एविडेंस आएगा उसके ऊपर हमें पूरा पूरा भरोसा है कि इनको माननीय अदालत द्वारा समन किया जाएगा और जो भी इनका ये दंड बनता है, पनिशमेंट बनती है कानून के हिसाब से, माननीय अदालत इन्हें सख्त से सख्त देगी, ताकि किसी और के बारे में ऐसा ना कहा जाए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, जो मेरे क्लाइंट के साथ हुआ मैंने तो वही उनका राइट ही प्रोटेक्ट करना है, बाकी जो श्री पवन जी बताएंगे